आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ व्रत या उपवास में खाई जाने वाली नमकीन की रेसिपी। आजकल नवरात्रि चल रहे हैं तो हम इस नमकीन को घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं और व्रत में खा सकते हैं। आज हम बनाएंगे आलू लच्छा नमकीन, बहुत ही आसान है इसे बनाना। हेलो फूड लवर्स, वेलकम टू माई चैनल किरण स्ट्रीट। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 3 बड़े साइज के आलू ले लिए हैं। आलू हमें कच्चे ही लेने हैं, हमें उबले हुए आलू नहीं लेने हैं। आलूओं को हम सबसे पहले पीलिंग नाइफ से छील लेंगे। तो मैंने यहाँ पर तीनों आलूओं को छील लिया है। अब इसे 1 से 2 बार हमें अच्छे से धोना है। अब इन आलूओं को हम ग्रेट करेंगे, यानी हमें लच्छे बनाने हैं। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये कद्दूकस। इसका जो सबसे मोटा वाला पार्ट होता है वहाँ से हमें आलूओं को ग्रेट करना है, और ग्रेट करते समय नीचे हमें जो बर्तन लेना है उसमें पानी रखना है। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो आलू के लच्छे निकल रहे हैं अगर उन्हें पानी में नहीं डालेंगे तो वो काले पड़ जाएंगे। तो इस तरह से इन्हें पानी में ज़रूर डालें। और अब आप देख सकते हैं आलूओं के लच्छे निकलने शुरू हो गए हैं। तीनों आलूओं को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इन्हें लगभग 4 से 5 बार हमें अच्छे साफ पानी से धोना है। ऐसा करना भी बहुत ज़रूरी है वरना इसके अंदर स्टार्च रह जाएगा। तो यहाँ पर आलूओं को मैंने अच्छे से 4 से 5 बार धो लिया है। अब एक किचन टॉवल ले लीजिए और इसके ऊपर ये आलू के लच्छे फैला दीजिए। आप चाहे तो एक टॉवल ले सकते हैं या इसकी जगह आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं। इसके ऊपर सभी लच्छों को हमें बहुत अच्छे से फैला देना है और उसके बाद हम टॉवल को फोल्ड कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी होगा वो टॉवल अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगा, यानी कि सोख लेगा, और हमारे जो लच्छे हैं वो अच्छे से सूख जाएंगे। और जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो इनके अंदर मॉइस्चर नहीं रहेगा और ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर सारे जो लच्छे थे उन्हें सोख लिया है टॉवल से इस तरह से। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर व्रत में खाया जाने वाला तेल आप यूज़ करें, तेल को अच्छे से गर्म कर लें। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मूंगफली का तेल। इसमें मैंने इन लच्छों को डाल दिया है। अब आप देखिए यहाँ पर ये झाग जो आ गया है ऊपर, इस झाग के ख़त्म होने तक हमें इसे छेड़ना नहीं है। फ्लेम को मीडियम रखें या फिर आप हाई भी रख सकते हैं, लेकिन हाई रखें तो बीच में इसको 1 से 2 बार हिला सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्रिस्पी हो गए हैं लच्छे हमारे, बिल्कुल आवाज़ आने लगी है और दिख भी रहे हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो निकालने के लिए टिश्यू पेपर का यूज़ करें क्योंकि ये काफ़ी ऑयल अब्सॉर्ब करते हैं। टिश्यू पेपर में रखेंगे तो टिश्यू पेपर ऑयल को सोख लेगा। तो इस तरह से मैंने सारे के सारे लच्छे अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी मूंगफली भी इसमें डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1/2 कप मूंगफली ली है और इसे इसी तेल में मैंने डाल दिया है। इसे बहुत ज़्यादा नहीं हमें फ्राई करना है वरना मूंगफली हमारी कड़वी हो जाएंगी। बस 2 मिनट तक के लिए ही इसे फ्राई करें क्योंकि तेल हमारा पहले से ही काफ़ी गर्म है, तो बहुत जल्दी ही ये सिक जाएंगी। तो यहाँ पर ये अच्छे से ब्राउन हो गई हैं, मैंने इन्हें टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जैसे काजू या बादाम भी आप फ्राई करके इस नमकीन में ऐड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर कुछ करी पत्ते ले लिए हैं। यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, तेल हमारा गर्म है तो करी पत्ते इस गर्म तेल में ही अच्छे से कुरकुरे हो जाते हैं। तो इन्हें बस केवल 1 मिनट के लिए ही मैंने तेल के अंदर डाला है, अब इन्हें भी मैं बाहर निकाल लूँगी। करी पत्तों को हम व्रत या उपवास में खा सकते हैं इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ना खाना चाहें तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। तो अब हमने तीनों चीज़ों को फ्राई कर लिया है और अब हम इन्हें मिक्स करेंगे एक साथ। तो एक बड़ा सा बर्तन लें, उसमें ही हमें ये तीनों की तीनों चीज़ें मिक्स करनी है और हम इसके ऊपर नमक भी ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी हमारे लच्छे बनके तैयार हैं। अब इसमें ऐड कर लीजिए ये भुनी हुई मूँगफलियाँ। इसके साथ साथ हम डालेंगे यहाँ पर जो हमने करी पत्ते भुने थे वो भी इसमें ऐड कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सेंधा नमक क्योंकि हम ये उपवास के लिए बना रहे हैं।
अगर आप इन्हें उपवास के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप सिंपल नॉर्मल जो नमक हम यूज़ करते हैं वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। 1/4 छोटा चम्मच मैंने काली मिर्ची का पाउडर डाल दिया है। अगर आप बिना उपवास के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर चाट मसाला या लाल मिर्ची का पाउडर या अमचूर पाउडर, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से स्पून से आप मिक्स करें तो बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाएंगे। और लीजिए, हमारे कुरकुरे क्रिस्पी आलू लच्छे बिल्कुल तैयार हैं खाने के लिए। आप इन्हें बनाकर किसी एयर टाइट कंटेनर में भी स्टोर करके रख सकते हैं, और अगर आप नवरात्रों में खा रहे हैं तो पूरे 9 दिन तक आप इन्हें इंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।